नमस्कार भाई दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, बाकी बात है जो दूसरे वीडियो में कर लेंगे अपनी। एक चीज़ समझ में नहीं आ रही, अमृतपाल सिंह का और विवाद का चोली दामन का साथ हो गया है। या तो अमृतपाल सिंह को इसके ऊपर बोलना चाहिए, उस पर बोलने की बजाय बस वो एक रट लगा रहा है, खालिस्तान खालिस्तान। अमृतपाल सिंह आया, अमृत छकाना शुरू कराया, बच्चों को नशा चढ़वाना शुरू कराया, बहुत अच्छा लगा। हमने ही बोला था भाई पंजाब के लोगों को साथ देना चाहिए, लेकिन अब नया टैग और ले लिया। अभी तक तो ये खालिस्तान खालिस्तान कर रहा था, अब इसको नया टैग और मिल गया है कि ये आतंकवादी है। ये आतंकवादी भी किस टाइप का, आप सुनोगे तो हैरान रह जाओगे। आपको चीज़ें दिखाएंगे, लगा देंगे थम लाइन पर लगा देंगे और पोस्टरों को। तो सबसे पहले तो जो साथी नया जुड़ता है ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल के ऊपर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाए। बोला था ना, बात हक्की और सच की जाएगी। कल भी बताया था, वो दो सवाल किए थे कि इतनी जल्दी लाइसेंस कैसे बन गया और वो गाड़ी किसकी है। उस गाड़ी का विवाद अब थमने का नाम नहीं लेगा। हालांकि उस गाड़ी का हमारे पास तो आ गया है मैसेज, गाड़ी किसकी है, किसने दी है। लेकिन जो न्यूज़ वाले जो कर रहे हैं, एक बार सुना, एक बार मेरे को मोहतरम आ गया, आवाज़ बड़ी अच्छी लगी भाई। आतंकी अमृतपाल को लेकर एक बड़ा दावा सामने आ रहा है। आतंकी इस दावे से देश में हड़कंप मच गया है। सुनना ध्यान से। आतंकी अमृतपाल इसने कम से कम भी बीजेपी नेता से जोड़े जा रहे हैं। 150 बार अपनी पार्टी के नेता ने एक ट्वीट शेयर करते हुए 150 बार आतंकी शब्द लगाया है। 3 से 4 तस्वीरें शेयर, अभी तक खालिस्तानी था, अब आतंकी हो गया है। कि आतंकी अमृतपाल का कनेक्शन बीजेपी नेता से है। अब आते हैं इसकी बात के ऊपर, जो इस मैडम ने बात बोली है कि आतंकी अमृतपाल के कनेक्शन बीजेपी से है। अब यहाँ पे फंसती बीजेपी भी है, और दावा कौन कर रहा है, आम आदमी पार्टी का। वही आम आदमी पार्टी का जिसके अभी जो उप मुख्यमंत्री हैं दिल्ली वाले, वो सब कुछ जेल में गए हैं, वो आम आदमी पार्टी। सरकार किसकी है पंजाब के अंदर, आम आदमी की। फिर आम आदमी पार्टी उसको रोक क्यों नहीं पा रही भाई, फिर छोड़ दो, इस्तीफा दे दो भगवंत मान। छोड़ क्यों नहीं पा, उसको पकड़ क्यों नहीं पा रहे, उस हरेक दावे की पोल क्यों नहीं खोल रहे। एक तरफ ट्वीट 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 ये चला रखा दिया इसके अंदर, पंजाब के लोगों का दिमाग खराब कर दिया। और सबसे बड़ी बात पता है, दिमाग खराब क्यों किया जा रहा है, क्योंकि मोहल्ली के अंदर मोर्चा लगा हुआ है, वहां पर इनको भय है वहां, क्योंकि मोहल्ली मोर्चे के अंदर क्लियर हो गया। जो बंदी सिंह के ऊपर केस लगाए, सारे केस खारिज हो चुके हैं, अभी तक वो अपील नहीं हो पा रही। भगवंत मान वहां पे फंस रहा था, भगवंत मान ने नया ड्रामा ये शुरू कर दिया। आतंकी अमृतपाल के आईएसआई से संबंध है, आईएसआई फंडिंग करती है, और अमृतपाल के संबंध है बीजेपी नेताओं से, तो फंडिंग आईएसआई किसको कर रही है, बीजेपी को कर रही है। ये आम आदमी पार्टी का दावा है, आम आदमी पार्टी का दावा है ये। अब इस दावे की पोल खोलते हैं, सबसे पहले तो बोल रहे हैं आतंकी अमृतपाल बीजेपी नेता की गाड़ी में घूम रहा है, बीजेपी नेता का संबंध है जिस भी उसके, उसकी गाड़ी में घूम रहा है। उस गाड़ी का कनेक्शन ये बताया गया है, वो गाड़ी हरियाणा की है। गाड़ी का चलो आपको नंबर भी बता देते हैं, गाड़ी का नंबर आप सबको पता भी है, नहीं पता है तो आपको गाड़ी का नंबर बता देते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। गाड़ी का नंबर है HR72E1818, यही है ना गाड़ी का नंबर। ये जिसकी भी गाड़ी बताई जा रही है, जो भी वो मेहुल मेहुल था, जो अपनी एजेंसी चलाता है, उससे खरीदी थी। पंजाब का कोई NRI परिवार जो बाहर रहता, विदेश में रहता, उन्होंने खरीद के अमृतपाल को दी है। यहाँ पर अमृतपाल भी फंस रहा है एक चीज़ में, अमृतपाल का वीडियो जारी हो रखा है, अमृतपाल भी उलझ रहा। अमृतपाल ने बोलिया कि गाड़ी मेरे को पंथ ने दी है सेवा करने के नाम पे। शायद नहीं पता हो तो किसी को वीडियो देख लेना एक बार दोबारा जाकर, अमृतपाल का ही है। अमृतपाल को भी इसके ऊपर क्लेरिफिकेशन करना चाहिए, क्योंकि इस गाड़ी का विवाद, छोटे से विवाद को बड़ा तूल दिया जाता है, और ये तूल बार बार उठ के पंजाब के लोगों का दिमाग खराब हो चुका है। ये बात मैं दावे से कह सकता हूँ, तकरीबन पंजाब के लोगों का दिमाग खराब हो चुका है। उसके ऊपर बोलने की बजाय हम खालिस्तान लेना चाहते हैं, हम खालिस्तान लेना चाहते हैं, ये कौन सी बातें चला रहा है भाई। अमृत छका रहा था अच्छी बात थी, बच्चों का नशा छुड़वा रहा था बड़ी अच्छी बात थी, अब ये कौन से उस पर लाइन पे आ गया। ये लाइन समझनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी ये लाइन। हमने बोला था बड़ी अच्छी बात है, पंजाब के लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, अगर बच्चों को नशा छुड़वा रहे थे, क्योंकि पिछले 5 साल में 3 लाख युवा खत्म हो चुके हैं पंजाब के, 3 लाख युवा। आपको इस बात के ऊपर ना एक बड़ी जबरदस्त बात बता सकता हूँ, कैसे भगत सिंह को भी बांध दिया था, संजय सिंह भिंडरावाला को भी बांध दिया गया था, संजय सिंह भिंडरावाला को एक खालिस्तान शब्द पर बांध दिया था, जबकि उनकी जो मांग थी वो मांग ऐसी थी कि पूरे देश ने उन मांगों का समर्थन किया था, ऐसे ही नहीं संत बनया था वो। समझना चाहिए इस बात को, भगत सिंह की सोच को, एक विचारधारा है भगत सिंह, उसको बांध दिया गया है कि सिर्फ अंग्रेजों से आजादी के नाम पर बांध दिया गया उस विचारधारा को। ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी। अब ये खालिस्तान खालिस्तान करता रहेगा, उधर से आतंकवादी फलाना दखड़ा, इसका असर किस पे आएगा भाई, इसका असर पंजाब के जनता पे आएगा, पंजाब की जनता पे आएगा। ये जो आम आदमी ट्वीट ट्वीट खेल रही है ना आम आदमी पार्टी, ये ट्वीट ट्वीट तो कर दो बंद। ये कौन है तुम्हारा, ये नरेश बालियान आम आदमी पार्टी का ही है ये नेता, ठीक है। ये ट्वीट क्या कर रहा है,
पंजाब में आतंक फैलाने की कोशिश करने वाला अमृतपाल को बीजेपी नेता और कारोबारी प्रेमनाथ मिहानी ने अपनी गाड़ी दे रखा था। ये कैसा दोगलापन है बीजेपी का, जहां सरकार नहीं बनी वहां आतंकियों को समर्थन देकर आग लगा दो। बीजेपी जवाब दे कि उनके कारोबारी मित्र में गाड़ी क्यों दी, क्या संबंध है उससे। बीजेपी क्यों जवाब दे, पंजाब में सरकार किसकी है, पंजाब में सरकार पाकिस्तान ने बना रखी है क्या, आम आदमी की सरकार होगी ना, क्यों लोगों का दिमाग खराब कर रखा है इन लोगों ने। ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी ध्यान से। ये जो नेता खेलते ना, ये आम आदमी, मैंने बताया था ना, आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी की बी टीम है ये ट्वीट ट्वीट, ये न्यूज न्यूज खेल के ना ये आम लोगों का दिमाग खराब करते हैं। आपका ध्यान होना चाहिए कहां, मोहली मोर्चे के ऊपर, और आपका ध्यान कहां लगा दिया, न्यूजों पे देखते रहो, इन भांडों की न्यूज देखते रहो, और ऐसे ही दिमाग खराब रहेगा। क्लैरिफिकेशन है भाई, ये सरकार किसकी है पंजाब के अंदर, क्लियर करो ना, लोगों को बोलना चाहिए इस बात के ऊपर। सरकार आम आदमी की क्यों नहीं पकड़ते, पकड़ के पूछो ना अमृतपाल से, वो तो बोल रहे हैं, पूछ ले मेरे से क्या पूछना है, उससे क्यों नहीं पूछ रहे, न्यूज चला चला के लोगों का दिमाग खराब कर दिया है। इस पर और भी क्लैरिफिकेशन दे सकते हैं, कहीं सोच रहे हो आप, एक एक चीज का क्लियर कर सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगा के चलो, आपको हर चीज क्लियर हो जाएगी, हर एक चीज क्लियर हो जाएगी अगर थोड़ा सा दिमाग लगा के चलोगे तो। लेकिन आप दिमाग नहीं लगा पा रहे वहां पे, जहां पे दिमाग, क्यों आप थोड़ा सा दिमाग लगाते हो। अभी अच्छा भला संयुक्त पंजाब का वो जुड़ने लगा था माहौल, मोहाली मोर्चे पर हरियाणा पंजाब पहुंच लगा, हरियाणा वालों के फोन आ रहे यार हम मोहाली मोर्चे पर जाना चाहते, लेकिन ये क्या चल रहा है न्यूज में भाई, न्यूज देखोगे तो ऐसे ही दिमाग खराब रहेगा। न्यूजों को छोड़ो और मोहाली मोर्चे को मजबूत करो, सीधी बात है। न्यूज में ये लोग ऐसे चलाते गंद फैलाने से मतलब है, न्यूज वालों को गंद फैलाने से, शेयर करते हो कर देना भाई वीडियो को, और ये गंद फैलाना बंद करके ना कोई अच्छी चीजें शेयर कर लो, अच्छी चीजें, ये ऐसे ही गंद फैलाएंगे। ये एक नाम पकड़ दे, कोई अच्छा काम करेगा उसका नाम पकड़ के उसको बदनाम करना शुरू कर दो, बस ये है न्यूज वालों की खासियत। मेरे को भी देशद्रोही साबित किया था इसी ANI न्यूज एजेंसी ने, ट्वीट किया था, बाद में ट्वीट डिलीट किया था इन्होंने अपना, अखबार की वो कटिंग अभी भी मेरे पास रखी हुई है जिसमें इन्होंने मेरे को देशद्रोही बोला हुआ है। ये बता देता हूं मैं, यहीं से अंदाजा लगा लेना ये करते क्या है, इनकी कौन सी चाल होती है, ठीक है। वहां पर फेसबुक पर इन लोगों ने बंद कर दिया, ये यूट्यूब चैनल बनाया था ताकि लोगों को सच्चाई पता लगती रहे, सच पता लगता रहे लोगों को, और सच बोलते रहेंगे, सच को कोई नहीं रोक सकता, ये आज बता दिया है। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबा देना, अपने साथियों को जोड़ देना जिसका दिमाग खराब है ना, कोई भी सवाल होगा आपका उसका जवाब दिया जाएगा, क्लियर जवाब दिया जाएगा, आपको बताया जाएगा यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए। बस एक रिक्वेस्ट है भाई, मोहाली मोर्चे पर पहुंच लो, मोहाली मोर्चे को मजबूत करो, वहां पर जीत बिल्कुल है ना, एक कदम दूर है जीत से, एक कदम दूर, मोहाली मोर्चा जीत चुके हैं, वो वकील साहब ने क्लियर कर दिया है। दोबारा साथियों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर करना, और है ना इस मैटर को छोड़ के मोहाली मोर्चे की आवाज़ उठाओ भाई। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।